बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दोस्तों क्या हाल चाल है? सब मेरे दोस्त ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आए, ये मेरे पास एक LPG ये वाली किट है, और ये वाली भी मेरे पास एक LPG किट है, और ये वाली किट मेरे पास लैंडिलाइजो की किट है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊँगा कि आपने कौन सी किट लगानी है अपनी गाड़ी में। दोस्तों ये वाली किट है, ठीक है, मैं इस्तेमाल भी कर चुका हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा तो नहीं मैंने इस्तेमाल की। अभी ये मार्केट में नया मॉडल ही आया है, ठीक है, LPG किट, स्पेशल LPG वाली किट, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के लिए, EFI गाड़ी के में लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। वैसे तो ये ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक भी है लैंडिलाइजो की तरह, ठीक है। तो आपकी मकसद है कि एवरेज के हवाले से ये किट सुजुकी बलान में इंस्टॉल की थी, तो इसकी एवरेज नहीं ठीक आती थी। फिर इसका मसला होता था कि कभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती थी, ठीक है, हैंडलिंग करती थी गाड़ी स्टार्ट हो के, प्रॉब्लम कोई ना कोई इसमें इशू होता था, ठीक है। हमने इसको खोल के इसका L निकाला, ये इसका ना L वाला सुराख है, ठीक है जी, इधर से हमने इसको खोल के L निकाला। L निकालने के बाद इसको वाश किया, वाश करके गाड़ी के साथ लगाया, ठीक है। हफ्ते के बाद यही प्रॉब्लम होगी, जैसे कि लैंडिलाइजो की जेन्युइन जो कल्टस मेहरान वाली किट नहीं आती CNG वाली, वैसे जो वो किट भी लगाएं तो LPG के लिए प्रॉब्लम ही खड़ी कर देती है, ठीक है। कभी स्टार्टिंग नहीं करती, कभी मिसिंग करती है, कभी मकसद सर्दियों में तंग करती है, तो ये भी किट छोटी लैंडिलाइजो किट की तरह प्रॉब्लम ही खड़ी करती है बंदे के लिए कोई ना कोई, ठीक है। ये ठीक है, बहरहाल अच्छी मटीरियल अच्छा है, ठीक है। तो बहरहाल ये इसके वाटर कनेक्शन है, ठीक है, इतनी जगह, इस जगह पे क्लोज है वाटर, यहाँ से वाटर जाता है तो ये गैस वाली लाइन के दूसरी साइड से फिर बाहर आ जाता है, इधर से वाटर जाता है, इधर से निकल जाता है, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रिक स्विच है, ये इसका स्लो मिक्सचर है, इस जगह इसका प्रेशर पैप लगना है, इस जगह इंजन वाला लगना है, इस जगह दो करंट की लुपियाँ लगनी है, पिने लगनी है, ठीक है। तो ये वाली जो सादी LPG किट है ना, सादी ये वाली, ये किट मेरे हिसाब से अच्छी है, ठीक है। सादी कारपोरेटर वाली गाड़ियों के लिए अच्छी है। अगर आपने EFI गाड़ी के साथ इंस्टॉल करनी है ये वाली LPG किट, तो आपने ये वाली, इसको ये है इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक पावर मिक्सचर, इलेक्ट्रिक पावर मिक्सचर, जैसे कि ये पावर मिक्सचर लगा गैस कम और ज़्यादा करने के लिए LPG और CNG में पावर मिक्सचर लगता है, ये एक पावर मिक्सचर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पावर मिक्सचर है। आपने क्या करना है, आपने ये वाला पैप उतारना, ये वाला, तो इसकी जगह आपने इसको फिट कर देना। मैं अभी आपको पेचकसी मदद से मेरे पास है, फिट करके बताता हूँ। ये जैसे कि इस जगह पे आपने इसको फिट कर देना, दोस्तों आपने इसको लगा के अपनी EFI गाड़ी में, कल्टस है अगर आपके पास नया मॉडल, मेहरान है, सुजुकी बलान है, क्रोला कार है, होंडा कार है, ठीक है, अगर आपके ठंडे इलाके में रहने वाले हैं तो आप ये ऐसे करके इसको फिट कर दें, इंशाल्लाह आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक और मसला है कि ये किटों में मसला बहुत आ रहा है, नई किट के अंदर बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, तो आपने ख्याल करना है, ठीक है, अच्छी किट मार्केट से लेनी है, ठीक है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। आपने कहा ना यार गाड़ी पेट्रोल पे सही थी, LPG करवा के हमने, तो अजाब ही अपने लिए बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपकी LPG किट ठीक नहीं है तो आपके लिए रोज़ एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देगी, आपने दोबारा हर चीज़ उतार के फेंक देनी है और गाड़ी पेट्रोल पे कर लेनी है, क्योंकि इसकी बचत है, LPG में गाड़ी चलाने की बचत है, बहरहाल परेशानी भी है, ठीक है। परेशानी ये है कि आपकी गाड़ी सर्दियों में गैस जम जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी, कभी ये पेट्रोल पे करेंगे तो गैस मिक्स हो जाएगी, ये मकसद कोई या स्रो रहने के में खड़ी नहीं होएगी, किस मकसद है कि सुबह स्टार्ट करेंगे तो आप स्लो रनिंग में गाड़ी नहीं खड़ी होगी और हैंडलिंग करना शुरू कर देगी, ठीक है, मिसिंग वगैरह करेगी तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये बेहतर मशवरा देता हूँ, ये वाली सादी LPG किट लगाएं अपनी गाड़ी में, और ऊपर पावर मिक्सचर इलेक्ट्रिक मिक्सचर लगा के लगाएं, जब आप गाड़ी का स्विच ऑफ करेंगे तो ये गैस बंद कर देगा,
अगर आपकी किट, कोई भी किट, ये एलपीजी किट या आपकी लैंडी लैजो किट अगर अवर कर रही है, तो जो इलेक्ट्रिक पावर आप ऊपर रेस के लगा दें, पावर जो मिक्सचर है, मकसद गैस की सेटिंग वाला नट है, वो आप ये वाला लगा दें, इलेक्ट्रिक पावर मिक्सचर लगा दें, तो अवर का मसला आपका ख़त्म हो जाएगा और स्टार्टिंग भी ठीक हो जाएगी गाड़ी की। ये मैं आपको ये मशवरा दूंगा, ये वाली अल्फ़ा कंपनी की आप किट ले लें या जी के एस की किट ले लें एलपीजी, तो ऊपर ये इलेक्ट्रिक पावर लगा दें, तो आपकी ईएफआई गाड़ी में भी इंस्टॉल हो जाएगी, आपको कोई किट और लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सादी किट है, ठीक है, ये रिपेयर भी बहुत मकसद है, 500-700 का इसका सामान आता है मार्केट से, इस किट का रिपेयर भी अच्छी होती है। ये भी एलपीजी की किट है, ठीक है, ये अल्फ़ा कंपनी की भी होती है, अलगाजी कंपनी की भी होती है, ठीक है, ये मुख्तलिफ कंपनियों की होती है, ठीक है, ये किट अच्छी किट है माशाल्लाह, ठीक है। बहरहाल मेरे हिसाब से इसकी एवरेजिंग ठीक होती है, इस किट से गाड़ी की एवरेजिंग ठीक होती है। अगर आपकी ईएफआई गाड़ी में ये वाली किट लगी हुई है, तो कोई है खुशकिस्मत जिसकी एवरेज ठीक है, वरना यही प्रॉब्लम ही रहती है, ठीक है, हमारा तो रोज़ का काम है ना। तो आपने ये किट अब यूज़ नहीं करनी, मेरा मशवरा ये नहीं लगानी, एवरेज नहीं आएगी, क्योंकि आपके 10,000 रुपये इसका रेट है, इस किट का 10,000 मार्केट में रेट है, और एवरेज नहीं आएगी तो आप परेशान हो जाएंगे, 10,000 ज़ाया हो जाएगा। तो आप बेहतर है या जी एलपीजी किट लगा लें या लैंडी लैजो किट लगा लें, ठीक है। अगर आपने ये लगानी है तो आपकी मर्ज़ी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि ये नहीं है कि ये लगानी नहीं है, मार्केट में आई है, अगर लगा ही रहे हैं लोग, ठीक है, तो आप भी लगा सकते हैं, दिल करता है आपका तो लगा सकते हैं, वरना ये ना लें, ठीक है, ना लगाएं अपनी गाड़ी को, ठीक है। तो ये चेक करें, ये आपके लिए थोड़ा थोड़ा मसला खड़े करेगी, ठीक है। इस किट से बेहतर है, इस एलपीजी किट से बेहतर है ये वाली बड़ी लैंडी लैजो लगा लें, ये वाली बड़ी लैंडी लैजो लगा लें, ये वाली किट, ये लैंडी लैजो किट है, ये वाली आप अपनी एलपीजी गाड़ी एलपीजी चलाने के लिए, ये एलपीजी के लिए ये बेहतर किट है लैंडी लैजो ईएफआई गाड़ी के लिए, ठीक है। तो ये वाली आप लैंडी लैजो लगा लें, ठीक है, ये देखें, ये कोई भी सुजुकी कल्टस, सुजुकी मेहरान, सुजुकी बलान, सुजुकी रावी, ठीक है, मकसद है कि क्रोला, जीएलआई, एक्सएलआई, होंडा, जो भी आपके पास गाड़ी है, बक्सा वगैरह, उसमें ये आप किट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लैंडी लैजो की माशाल्लाह बहुत अच्छी किट है, ये किट से, ये वाली किट आप मकसद है कि ना यूज़ करें, ठीक है, एवरेज की एवरेज प्रॉब्लम करती है ये वाली किट के एवरेज प्रॉब्लम करती है, ठीक है। तो इसकी लैंडी लैजो की एवरेज ठीक होती है, लैंडी लैजो की एवरेज ठीक होती है, और इस किट की भी एवरेज ठीक होती है। ईएफआई गाड़ी में ये ऐसे लगानी है आपने, ये इलेक्ट्रिक पावर मिक्सचर लगा के अपनी ईएफआई गाड़ी में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो या ये एवरेज ठीक देती है किट, ये अल्फा कंपनी, अलगाजी कंपनी, ठीक है, जी के एस कंपनी, ठीक है, तो दूसरी लैंडी लैजो एवरेज ठीक देती है, ठीक है, गैस की एवरेज है, ये लैंडी लैजो की किट, ये वाली इलेक्ट्रिक किट है, ये ठीक देती है। ये किट में असल मसला है कि आज मैंने एक दिन पहले आप सेटिंग करवाएंगे मैकेनिक से, एक दिन एवरेज देगी, दूसरे दिन फिर एवरेज ख़राब कर देगी, मकसद है 50 किलोमीटर के बाद इसकी अपनी एवरेज एक और सेटिंग बन जाएगी इस किट की, तो आप परेशान हो जाएंगे सेटिंग करवा के, कभी ये स्टार्टिंग में मसला करेगी, कभी ये स्लो रनिंग में मसला करेगी, ठीक है, तो कभी इसमें गैस जम जाएगी, ये प्रॉब्लम खड़ी करेगी। तो अब मेरा मशवरा ये है कि आप ये किट ना लगाएं, इसमें एवरेज का मसला है, लैंडी लेजर लगाएं या एलपीजी वाली जेन्युइन किट लगाएं। दोस्तों आज के लिए अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों, ओके, अल्लाह हाफिज़।